हेलो एवरीवन, डू यू एवर वंडर कि ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखते हैं, ऋतिक रोशन का ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, राइट, ही वाज वेरी फिट एंड देन ही बिकेम फैट और उसके बाद वो फिर से फिट हुए हैं एंड देयर इज़ अ वंडरफुल जर्नी जो आपका यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोस देख रहे हैं उनके. सो क्यों लेकिन वो इतना सब बताते हैं लेकिन वाई डोंट दे शेयर कि उन्होंने क्या डाइट लिया, क्या न्यूट्रिशन प्लान लिया, क्या वर्कआउट प्लान किया, क्या किया ये अचीव करने के लिए, राइट? वाई इज दैट नॉट शेयर्ड विथ यू? बिकॉज इट्स नॉट फिक्स्ड. और मे बी उन्होंने स्टीरॉयड लिया होगा, मे बी उनकी सीक्रेट प्लान्स, सीक्रेट वर्कआउट रूटीन, सीक्रेट ट्रेनर्स हैं जिनके इंटरनेशनल गाइडेंस से उनको वो सब मिला है. नो, दैट्स नॉट द की हेयर, राइट? अगर आप जानना चाहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे है तो ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है. और ये वीडियो आपको बताएगा कि क्यों आप उनके जैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते. अगर आप मेरी तरह वर्किंग पर्सन हैं जो 8 घंटे की, 12 घंटे की, कोई 18 घंटे की जॉब कर रहे हैं, फिर फैमिली में, घर में बच्चे भी हैं जो बच्चे कहते हैं पापा आ जाओ, काम काम काम, सिर्फ काम ही करोगे, या कोई और काम आपको है जहाँ पे आपको बहुत मुश्किल से थोड़ा सा वक्त मिलता है, एंड यू कैन नॉट अचीव दैट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन. येस, इट इज़ पॉसिबल नेचुरली. वो भी हमने वीडियो में बताया है कि कैसे नेचुरली, क्या उसके पीछे का सीक्रेट है. इफ वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देखिए और समझो कि क्या लैक करता है आपके और उनकी लाइफ में, क्यों आप वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते. नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम. टाइम, अगर आप जॉब कर रहे हैं इस प्रकार का, जिस प्रकार के हम जॉब करते हैं, या कोई भी 8 आवर का जॉब है, घर है, फैमिली है, 8 घंटे की नींद है, देन यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम टू डेडिकेट ऑन फिटनेस कि आप एक्चुअली में उतना ज़्यादा अचीव कर पाओगे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में. जी हाँ, लॉन्ग टाइम में कर सकते हैं, जो उन्होंने लंबे समय में, आप 1-2 साल के टाइम में कर सकते हैं, बट देन इट्स नॉट, कैन नॉट बी पॉसिबल इन 3 मंथ्स और 1 मंथ और 2 मंथ्स. नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम, आपके पास उतना टाइम नहीं है. उनका शेड्यूल क्या होता है जब उनको ट्रांसफॉर्म करना होता है? 1 घंटे का योगा, 1 घंटे का पूरा वर्कआउट, 2 घंटे का वर्कआउट सुबह, 2 घंटे का कार्डियो शाम को, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. दे हैव सो डिफरेंट वर्कआउट्स, कभी कभी बॉक्सिंग, कभी स्विमिंग, कभी रनिंग, कभी जिम, कभी या साइकिलिंग, वॉट एवर दे देयर ट्रेनर वॉन्ट्स दैट दे डू, राइट? और बीच बीच में हेल्थ चेकअप, बीच बीच में फिजियोथेरेपी, बीच बीच में मसाज, राइट? रोज रात को मालिश. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन लाइक आस टू गो थ्रू ऑल दैट प्रोसेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? येस, उनके केसेज में द बिगेस्ट टाइम, बिगेस्ट थिंग इज टाइम. दे हैव टाइम. द सेकेंड बिगेस्ट थिंग विच दे हैव इज अ रीजन. यू एंड आई सबको लगता है सबको अच्छी बॉडी चाहिए, बट देन किसके लिए? खुद के लिए. उनकी अच्छी बॉडी खुद के लेनी है. देयर बॉडी इज देयर सोर्स ऑफ इनकम, राइट? उनके मसल्स, उनकी बॉडी, उनकी फिजीक, राइट, ये पब्लिक के लिए उनका स्टारडम का एक इम्पॉर्टेंट वेपन है, उनका एक हथियार है, उनका एक इम्पॉर्टेंट, जैसे किसी का सिंगिंग, सिंगर के लिए गला बहुत ज़रूरी है. गलती से सिंगर गर्म ठंडा पानी नहीं पीता, नॉर्मल पानी या गर्म पानी पीता है. सो वाई इज़ दैट? बिकॉज उसकी उसकी रोजी रोटी है वो, राइट? सेम वे एक स्टार, एक फिल्म स्टार के लिए उसकी फिजीक, उसकी बॉडी, राइट, उसका फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट? तो इसलिए उनके पास एक रीज़न है. अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी स्टारडम, उनकी पूरी जिंदगी का काम ख़त्म, राइट? सो फॉर दैट रीज़न दे हैव अ बिग रीज़न. हमारे पास वो रीज़न नहीं है. हमने किया तो कोई कर भी लिया तो कोई देखने वाला नहीं. हम कूद कूद के दिखाएं सोशल मीडिया पे, देखो देखो देखो, कोई नहीं देखेगा. उनको कौन देखेगा? करोड़ों लोग देखेंगे. सो दैट कम्स इन आर वे सम वे और दी अदर, कभी ना कभी बीच में आ जाता है. सो रीज़न एक ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या रीज़न है. क्या वो हमारा फिटनेस है? क्या वो एक्चुअल हमारे को गोल देखना बहुत ज़रूरी है. गोल कि हाँ ठीक है, वी वॉन्ट टू बी फिट. टू फिट मतलब अपने हेल्थ वाइज फिट, हमारी बॉडी फिट होनी चाहिए, हमारा फैट परसेंटेज कम के आसपास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए. तो वी नीड टू हैव एक अचीवेबल और प्रैक्टिकल गोल. ये नहीं कि मेरे को 6% बॉडी फैट चाहिए, 5% बॉडी फैट चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा और उसके बाद क्या हुआ, क्या अचीव कर लिया, राइट? एक आधे कॉम्पिटिशन में आप चले गए, वो भी शायद जीतो ना जीतो, नहीं जीते तो डिप्रेशन, राइट? वॉट आर यू अचीविंग? सो यू नीड टू हैव प्रैक्टिकल गोल्स. जो उनके पास है रीजन है, जो हमारे पास नहीं है. सो यू कैन नॉट डू दैट. सो रिमेंबर दिस. एंड द थर्ड बिगेस्ट थिंग उनके पास जो है वो है रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हैं. कई लोग अमीर होते हैं, कईयों के पास रिसोर्सेज हो सकते हैं,
राइट कईयों के पास नहीं है रिसोर्सेज, जिनके पास रिसोर्स नहीं है क्या वो वैसी बॉडी नहीं बना सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं इसीलिए वो अफोर्ड कर पाते हैं कि वो ये सब कुछ करें, एक्सपेरिमेंट्स करें अपनी बॉडी पे, और उसके बाद में कोई साइड इफेक्ट हो तो बच भी जाए, कोई लिवर डैमेज हो गया, कोई किडनी डैमेज हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, कोई भी बड़े से बड़ा चीज़ वो करवा लेंगे, देयर इज नो बिग डील। आप क्या करोगे, राइट? अगर मान लो उनको कभी कोई सीरियस इंजरी भी हो गई, राइट, कोई बोन फ्रैक्चर हो गया, कोई स्लिप डिस्क जो हो जाती है लोगों को, स्लिप डिस्क का एक छोटा सा आर्थ्रोस्कोपिक ऑपरेशन करा लेंगे फट से, यू एंड आई आर नॉट इन दैट लग्जरी जोन, राइट? सो हमारे को प्रैक्टिकली देखना होता है कि रिसोर्सेस कम में कैसे हमें अपना घर भी चलाना है, अपनी बॉडी फिट भी रखनी है, अपनी हेल्थ फिट भी रखनी है। एंड द फोर्थ इज गाइडेंस। ऑब्वियसली रिसोर्सेज के साथ ही गाइडेंस अटैच है, उनको अच्छा गाइडेंस मिलता है, कईयों को अच्छा नॉलेज होता है, कईयों को नॉलेज सही नहीं होता है, राइट? हमारे केस में इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग जिम में जो जाते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है, या ब्रो साइंस है, या फिर ऐसा नॉलेज है जो उनके ट्रेनर ने उनको दिया है, और ज़्यादातर ट्रेनरों को भी सही नॉलेज नहीं है। ऑल्दो अच्छे ट्रेनर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर जिनको सही नॉलेज है, बट द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ एबिलिटी टू कीप लर्निंग। लोग आगे लर्न करना ही नहीं चाहते, राइट? ट्रेनर हैं तो मुझे जितना आता है बस, मैंने अपनी बॉडी बना ली ना, मुझे आ गया, दैट्स नॉट इट, राइट? उतना ख़त्म नहीं हो गया, रिसर्च ख़त्म नहीं हो गया बॉडी पे, रिसर्च, साइंस का रिसर्च, आज तक डॉक्टर्स की लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, राइट? डॉक्टर्स कीप ऑन लर्निंग, अब कई नई बीमारी आ गई, नई एंटीबायोटिक आ गई, उसके क्या साइड इफेक्ट है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने पेशेंट्स को दिया, उसको सूट नहीं किया, क्यों नहीं सूट किया, अरे इस दवाई से भी एलर्जी होती है, अरे उससे भी होती है, सो वी कीप लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग। सेम गोज विद ट्रेनर्स, बट दैट्स नॉट जस्ट सेल्फ लर्निंग, वी हैव CMEs, हम एक दूसरे को बताते हैं, हम रिसर्च आर्टिकल्स देते हैं, हम रिसर्च पब्लिश करते हैं, राइट? ट्रेनर्स के साथ ये नहीं होता, ट्रेनर्स तो एक दूसरे को शेयर भी नहीं, मेरा सीक्रेट है मैं उसको नहीं बताऊंगा, उसका सीक्रेट है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कौन क्या बोल रहा है, मेरी बात मानो बस। सो हियर द प्रॉब्लम इज गाइडेंस, राइट? प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलना, अच्छा गाइडेंस मिलना भी बहुत ज़रूरी है, और सही ट्रेनर और सही डॉक्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अपनी बॉडी या अपना हेल्थ ठीक करना चाहते हो। सो इन चारों चीज़ों के वजह से, ना टाइम, ना रीज़न, ना रिसोर्सेज, ना गाइडेंस, फिर चाहे आपकी डाइट, न्यूट्रिशन, बाकी सब कितनी भी मेहनत कर लो, कितने महंगे सप्लीमेंट्स ले लो, आप नहीं आप ट्रांसफॉर्म कर पाते इन्हीं रीजन्स के वजह से। इसीलिए देखो उद्देश्य इस वीडियो का ये नहीं है आपको मोटिवेट करना, बट इसका उद्देश्य यह है कि आपको रियलाइज करवाना कि रियलिटी क्या है। रियलिटी चेक ये है कि कई लोग उसको देख के बिल्कुल उस तरीके के ऋतिक रोशन हो या कोई भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख के बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट हो जाते हो, दैट्स वेरी गुड, राइट? बट जब उसके पीछे दौड़ने लगते हो तो अननेसेसरी चीज़ें करने लगते हो, अननेसेसरी स्टेप्स लेने लगते हो, अपनी बॉडी पे अननेसेसरी जोर डालने लगते हो, और उस केस में कई बार बॉडी को नुकसान दे जाते हो, या फिर जब आप फेल हो जाते हो किसी भी कारणवश, मे बी व्हाटएवर द रीज़न, डिप्रेस हो जाते हो आप, डिप्रेशन में फिर उल्टा सीधा करने, जो अच्छी खासी फिट बॉडी थी उसको भी भूल जाओ, उसको भी लूज़ कर जाते हो। सो हियर द पॉइंट इज टू रियलाइज कि यहाँ पर प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये नहीं है कि हर एक चीज़ को, हर एक पर्सन को उन्हीं की जैसी बॉडी के पीछे दौड़ना है, यहाँ प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि नॉलेज के पीछे दौड़िए। अगर आपको नॉलेज होगा सो यू विल हैव द राइट आइडिया टू चूज कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, राइट? कि आपके लिए क्या उस तरीके की रिप्ड बॉडी लेके आप ज़िंदगी भर चलना है, क्या करोगे, उसका फ़ायदा क्या होगा, क्या वो हेल्दी है, क्या नहीं हेल्दी है, दैट्स द आइडिया हियर। जी नहीं, बिल्कुल भी एकदम 10% के नीचे बॉडी फैट इज नॉट हेल्दी टू मेंटेन ऑल द टाइम, नो इट्स नॉट हेल्दी, राइट? देर आर सम फैट सॉल्युबल विटामिंस जो आपके फैट्स में स्टोर होते हैं, सो यू नीड 15% ऑफ फैट एटलीस्ट इन योर बॉडी ऑन एन एवरेज बेसिस। बीच बीच में आप कम कर सकते हो बट देन आपको ज़्यादा चाहिए। सो दिस इज द आइडिया अबाउट दिस वीडियो कि यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड सेलिब्रिटीज कि भाई मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये करना है, और जाके ट्रेनर्स को या दूसरे लोगों को प्रेशराइज करो अपने को हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए, और फिर इंजरीज और दूसरी चीज़ें लेके डॉक्टरों के पास जाओ। नो, डोंट डू दैट, राइट? स्टे फोकस्ड, अपने प्रैक्टिकल गोल की तरफ फॉरवर्ड जाइए, नॉलेज अटेन करिए, नॉलेज इज़ द बेस्ट थिंग, उसी के लिए ये चैनल बनाया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो ओवर करते हैं
उनको ये बात जरूर बताइए कि ओवर करने से कुछ नहीं मिलने वाला, स्टे यू नो स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन्स द रेस। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।